पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के संयोजन में मनाए जा रहे 22 दिवसीय चेटीचंद महोत्सव के अंतर्गत 11वें दिन संत कंवरराम मंडल के तत्वावधान में संत कंवरराम स्कूल में परम पूज्य हुजूरी रूप साईं साधराम साहिब, संत सतराम धाम रेहड़की साहिब, सिंध साहिब के प्रवचन, भजन और कीर्तन आयोजित किए गए। सिंध से आए साई साधराम साहिब ने अपने प्रवचनों में कहा कि हमारे गुरु स्वामी सतराम दास साहिब हमेशा फरमाते थे कि हम कोई उत्सव करते हैं तो भगवान से रहमत पाना चाहते हैं। रहमत हमेशा तभी साथ रहती है जब हम सेवा करते रहें, और जब हम सेवा करते हैं तो हमसे कोई गलती नहीं होती और हम पाप से दूर हो जाते हैं। तब सद्गुरु हमारे साथ होता है, तब हमारे अंदर और हमारे आसपास सुख ही सुख रहता है। कार्यक्रम का शुभारंभ इष्टदेव झूलेलाल, संत कंवरराम और संत रामदास के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। स्वागत भाषण नरेंद्र साहनी भगत द्वारा किया गया। मंच संचालन महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया। इस मौके पर घनश्याम भगत और स्कूल के बच्चों ने नृत्य और गायन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नरेंद्र साहनी भगत, जमुना दास गुरनानी, लालचंद मुलानी, विजय साहनी, सरस्वती मुरजानी, हातुमल खत्रे, कमल प्रकाश कृष्णानी, गिरधर तेजवानी, हरिचंदनानी, मुख्य कन्हैया लाल, भगवान कलवानी, प्रकाश जेठरा, सिंधी समाज के कई लोग मौजूद रहे। You're done.